हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी अपडेट लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इन बैंक मर्चेंट। तो इसका मैंने अपडेट दिया था 25 मार्च को लास्ट टाइम और 2022 में, और आप देख सकते हैं उसका क्लोजिंग था 22.75 और उसके बाद ये जो है इसने लगभग 4 से 5 दिन में, यहाँ देख सकते हैं 5 अप्रैल को इसने हाई बनाया 30.95। तो आप देख सकते हैं 25 मार्च का जो था तो वो आप देख सकते हैं 25 मार्च का कैंडल, तो 22 रुपये से सीधा 30 रुपये, तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना परसेंट हो जाता है। और फ्रेंड्स, 15% का जो टारगेट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने अच्छे रिटर्न दिए थे और अभी एक बार फिर इसमें जो है एंट्री का मौका मिल रहा है। अब मौका कैसे मिल रहा है कि ये जो रेड लाइन है ये 200 EMA की है, फिर उसके नीचे जो है ये वाली ग्रीन वाली 15 EMA, इसके नीचे 50 EMA, तो ये सब जो है तीनों आपका जो है 21.45 पे ये जो है लास्ट 50 EMA है, तो यानी स्टॉक तीनों से ऊपर है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स कि स्टॉक में अच्छा जो है मोमेंटम रहेगा, और अगर ये नीचे भी आता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, यानी 21.45 वाला जो है यहाँ तक आने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अगर वैसे देखा जाए तो आज का जो लो है 22.25 रुपये और कल का लो 22.30 रुपये, यानी ऑलमोस्ट सेम लो बना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आज का भी लो 22.30 रुपये से ऊपर रहता तो और अच्छी बात थी, बट अभी मान लो जैसे 22.25 रुपये आज का लो बना है, तो हो सकता है ये 2-3 दिन इसी रेंज में मोमेंट करे। अभी 3 दिन तो जैसे बंद रहेगा, तो उसके बाद जो भी वर्किंग रहेगा तो उसमें हो सकता है ये 2-3 दिन जो है इसी रेंज में मोमेंट करे, उसके बाद में अच्छा जो है ब्रेकआउट फिर से दे दे। अब इस बार जब ब्रेकआउट देगा तो आप देख सकते हैं ये जो है दोनों कैंडल जो ये आई है 24.95 इसके ऊपर रहेगा, और ये मान लो 26 रुपये की जो कैंडल है, तो अगर इसी के आसपास देता है यानी 26 रुपये और इसके बीच का, अगर जैसे यहाँ 25 और 26 के बीच में, तो आप देख सकते हैं 10 से 12% के रिटर्न ईजिली मिल जाएंगे। अब इसको जो है रेजिस्टेंस यहीं मिलेगा आसपास कहीं पर, ये जो लाइन है मैंने पहले भी ड्रॉ की थी ऊपर वाली, तो ये ऑलमोस्ट जो है एक बार इधर भी इसको यहाँ मिला था, तो ये भी आप देख सकते हैं 25.90 फिर 26, तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि अगर 26 के आसपास 25.5 ऐसे भी मिलेगा तो आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब 3 रुपये का प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज में आपका वही 12 से 15% के रिटर्न इसमें मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इस पर जो है स्टडी पर्पज से आप लेवल नोट करके रखिए और देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं तो अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, और प्रीवियसली जब किया था तो इसमें अच्छे रिटर्न मिले थे। आप भी इस पर स्टडी कीजिए अगर एंट्री लेना है तो, और पेपर ट्रेडिंग करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। और फ्रेंड, जब भी ये जो है मोमेंटम लेगा तो इतना शार्प रहेगा कि आपको जो है उसका पूरा ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये मान के चलो कि इसमें मोमेंटम तो फिर आएगा, अब देखना ये है कि ये 5-7 दिन में दे देता है या फिर ये जो 15-20 दिन का जो टाइम फ्रेम जैसा मैं रखता हूँ, तो अब देखते हैं क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की काफ़ी अपडेट लेके आता हूँ और ऑलमोस्ट हमारे टारगेट अचीव भी हो रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं, और जो जो मैंने प्रीवियसली स्टॉक दिए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, तो जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और प्रॉपर जो है लर्निंग मिलेगी आप लोगों को कि कहाँ पे मैं स्टॉक दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इसके पीछे जो रीज़न है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे स्पॉट ले रहा है, डेट टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें क्या रहेगा। सबसे अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपनी तरफ से इसको जो है लाइक वाइक करके थोड़ा मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं कंटिन्यू इसी तरह की अपडेट लेके आता रहूं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।